खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें 4 टीमों के रूप में जबलपुर संभाग की लड़कियों ने भाग लिया। वहीं जबलपुर से रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी तरंग झा और बोर्ड खिलाड़ी आफिया खान, पायल बाल्मीकि, छवि झा, भूमि मिश्रा समेत पूर्वी सिंह राजपूत और अनन्या दुबे जैसी खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसी प्रकार से अन्य 4 टीमें राष्ट्रीय स्तर पर नागपुर से, गुजरात से, शहडोल और महाकौशल क्षेत्र की हैं। इसके तहत ही सभी 8 टीमों का नाम देश की रानियों के नाम पर रखा गया है, जिनमें से पहली टीम का नाम रानी लक्ष्मीबाई होटल समदड़िया एकादश, तो दूसरी टीम रानी ताराबाई हाथवे मीडिया एकादश और तीसरी टीम का नाम रानी दुर्गावती MH अकेडमी रखा गया है। इसके साथ ही बाकी अन्य टीमों के नाम रानी पद्मावती, रानी कमलापति, रानी नायकी देवी, रानी अहिल्याबाई, रानी अवंतीबाई के नाम पर रखे गए। जबलपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जबलपुर महिला प्रीमियर लीग कराने का उद्देश्य मेरा जबलपुर संभाग और जबलपुर के अंतर्गत में आने वाली लड़कियों को एक मंच प्रदान करना है, जिससे उनको अच्छे अच्छे बच्चों के साथ में खेलने का अनुभव प्राप्त हो सके और वह उनसे क्रिकेट की बारीकियों को सीख सके। जबलपुर में इस आयोजन को करने के लिए मुझे जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ का बहुत बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है। साथ में हमारे जो विवेक शर्मा जी, श्री अग्रज शर्मा जी, श्री मनोज अवस्थी जी, इन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा योगदान हुआ है, जिसके लिए ये कार्यक्रम उठा पाया। आज ये फाइनल मैच शहडोल और जबलपुर के मध्य खेला जा रहा है। इसके पहले नाम राशि क्या क्या घोषित, इस प्रतियोगिता में विजेता को 51,000 रुपये नकद और उप विजेता को 21,000 रुपये नकद इनाम राशि प्रदान की जाएगी और इस प्रतियोगिता में अन्य प्रकार के इनाम राशि इनाम भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि मैन ऑफ द सीरीज, वुमेन ऑफ द सीरीज जो होती है वो एक फीडबैक है। किस टीम से? टीम से आए हुए हैं, यहाँ हम लोग जबलपुर महिला प्रीमियर लीग खेले आए हुए हैं। हमारी टीम रानी कमलापति होटल डिवाइन 11 के नाम से खेल रही है। मैच बहुत अच्छा खेलने मिल रहा है, हम 3 लीग के मैच खेले, तीनों जीत के आज फाइनल की टीम फाइनल के मैच में क्वालिफाई किए हैं, जिससे हमारी फर्स्ट इनिंग से टॉस जीत के फर्स्ट इनिंग पर हमारी बल्लेबाजी चल रही है।